छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी ने आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम विंग में नियुक्तियां कर दी है। नियुक्तियों के बाद पार्टी में असंतोष पनप गया है। रविवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जल्द ही पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। उत्तम जायसवाल ने INH न्यूज से खास बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ में नियुक्तियों से पहले किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है और ऐसे लोगों को पार्टी की कमान सौंपी गई है जो कि दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। अभी हमारे साथ प्रदेश सचिव और वर्तमान में जिन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया उत्तम जायसवाल वे हैं। हम सीधे उनसे ही बात कर देते हैं। आज ही प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम विंग में नियुक्ति हुई है, नाराजगी देखी जा रही है। क्यों नाराजगी है? देखिए, ये नाराजगी प्रदेश प्रभारी संजीव झा की वजह से है। उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों से ही प्रदेश के मुखिया बनाने को लेकर चर्चा किया और केवल कुछ चुनिंदा लोगों से ही राय मशवरा करके ये बहुत बड़ा निर्णय ले लिया। पार्टी के कैडर को पूछा ही नहीं गया। पार्टी के पुराने जितने भी लोग थे सब ठगे महसूस कर रहे हैं कि अन्य पार्टियों से आए हुए व्यक्ति को यहाँ पर आकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसलिए सारे आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी जितने जो 12-13 साल से जुड़े हुए हैं सारे नाराज़ हैं। मैं भी नाराज़ हूँ और मैंने भी अपनी नाराज़गी जो है शीर्ष नेतृत्व को बता दिया है। आप इस्तीफा दे चुके हैं? जी, मैंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्यों नाराजगी है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, करीब 7 महीने बाद नियुक्ति हुई है और तमाम विंग में भी अध्यक्ष बना दिए गए। क्या नाराजगी है? देखिए, जो मुख्य कमान जिनको सौंपा गया है उनकी स्वीकार्यता प्रदेश में नहीं है। अगर उनकी स्वीकार्यता रहती तो हम सहज स्वीकार करते, लेकिन उनकी स्वीकार्यता नहीं है। नीचे से सारे लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे उनके विरोध में हैं, बावजूद इसके प्रभारी जी जिद पर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे हैं। तो ये मतलब कार्यकर्ताओं और हमारे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हजारों सैकड़ों लोगों की जो भावना है उनको चोट पहुंचाने जैसी है। तो ये थे उत्तम जायसवाल, जिनका साफ कहना है कि नई नियुक्तियां जैसे ही हुई है उसके बाद से ही पार्टी में असंतोष देखे जा रहे हैं और मंगलवार को एक बड़ी बैठक जो है राजधानी रायपुर में होगी। इसके बाद जो है तमाम लोग जो है फिर से निर्णय लेंगे कि वे पार्टी में रहें या नहीं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH 24/7 रायपुर।